नए कानून को लेकर देवगांव कोतवाली प्रांगण में एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। देवगांव कोतवाली प्रांगण में सीईओ लालगंज हितेंद्र कृष्ण के नेतृत्व में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीईओ ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता कानून 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नए कानून की प्रणाली अब स्थापित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इसमें मोबाइल SMS के जरिए संबंध भेजने, नाबालिगों के संग गैंगरेप पर अब मृत्युदंड का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 302 के स्थान पर 103, 307 के स्थान पर 109, 323 के स्थान पर 115, 354 के स्थान पर 74, 376 के स्थान पर 64, 420 के स्थान पर 318 धारा लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस समय का नया कानून पुराने कानून की अपेक्षा और सशक्त हो गया है, जिससे पुलिस तत्परता से जानकारी दे रही है। सीईओ ने बताया कि 7 वर्ष अथवा 7 वर्ष से कम सजा वाली धाराओं को 60 दिन के निर्धारित समय में त्वरित निस्तारण करने का भी आदेश दिया गया है। नए कानून के तहत अब राजद्रोह के स्थान पर देशद्रोह की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सीईओ लालगंज कोतवाल विनय कुमार मिश्र ने पुलिस बल के साथ देवगांव बाजार में पैदल गश्त भी किया। इस मौके पर SI आकांक्षा पांडे, राकेश सिंह, सुरेश सिंह, लाल बहादुर प्रसाद, सुल्तान सिंह चौकी प्रभारी पलना, अल्ताफ खान, हरेंद्र प्रताप सिंह, ओम प्रकाश सिंह, रजनीकांत त्रिपाठी, संतोष यादव, हामिद अली, सोनू तिवारी, पारस यादव, मास्टर अलीम, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सौरभ सिंह सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। नए कानून जो है उनको नए न्याय के सिद्धांत पर चलते हुए उसको लागू करना है। इसी क्रम में अपने क्षेत्राधिकारी संक्षेप में इन नए कानूनों के बारे में बताएं। धन्यवाद। आज की इस सिस्टम साहब ने बताया तथा हमारी महिला SI को अभी तक हमारे ICC, CRC की तथा एविडेंस है ये ग्राउंड लेवल में प्रारंभ हो चुकी है और जनपद में पहली FIR भी दर्ज हो चुकी है। इसी के साथ साथ जो CRPC थी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो कि वैश्विक न्यायालय में ज्यादा प्रभावी होती थी, वहाँ उसका ज्यादा उपयोग होता था, उसको भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जा रहा है, उसमें भी परिवर्तन किया गया है और जो एविडेंस सेंटर था उसको भी संशोधन करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम किया गया है। तो सभी के तीनों ये मेजर एक्टर तीनों में परिवर्तन किया गया है। इसका परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य यह था कि समय के अनुसार जो बदलाव होने चाहिए, 1860 में ICC लागू हुई थी जो कि औपनिवेशिक शासन के समय लागू हुई थी, तो करीब 150 वर्ष व्यतीत होने के बाद सरकार को ये लगा कि जब कुछ धाराओं में परिवर्तन की आवश्यकता है, कुछ सजाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है, इसलिए इनमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता महसूस हुई और 1 जुलाई 2024 से इसको लागू किया गया। यानी कि भारतीय न्याय संहिता जिसको पहले ICC के नाम से जानते थे उसमें सैकड़ों धाराओं में परिवर्तन किया गया है। कुछ में सजा बढ़ाई गई है, कुछ में सजा घटाई गई है, जैसे समय की मांग थी उस हिसाब से इस संहिता में परिवर्तन किया गया है। सिंपल सी बात, जैसे आप लोग मारपीट घटनाएं गांव देहातों में, तो हम ICC की 323, 324, 325 की धाराओं में हम लोग अभियोग पंजीकृत करते थे, 308 भी लग जाता था, 307 भी लग जाता था, 302 भी लग जाता था। अब उनमें परिवर्तन किया गया है, जैसे 323 के स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता की 115 धारा 115 लागू होगी। धारा 115 TNS अगर सिंपल मार्किंग हो रही है, कहीं खरोच आ जा रही है, ब्रेजन हो जा रहा है, कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो उसमें 323 के स्थान पर 115 TNS लागू होगी। इसी तरह 325 के स्थान पर 117 की धारा लागू हो जाएगी। 506 जान से मारने की धमकी देना, उसमें 351 1 और 351 2
ये लागू हो जाए। तो इस प्रकार धाराओं में उनके क्रमांक में अंतर किया गया है और सजा में भी परिवर्तन किया गया है। महिला संबंधी अपराधों में परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा चोरी की जो धाराएं पहले जो धाराएं चल रही, चोरी की धाराएं 389 अक्सर हम लोग दर्ज करते थे, चाहे वो घर में चोरी हो या 376 चलती थी, अब वो धारा परिवर्तन होकर DNS की 64(1) धारा अब लागू होगी। आज से वो अगर कोई रेप केस आता है हमारे पास, FIR दर्ज करना है, तो हम उसको 64(1) धारा में उसको दर्ज करेंगे। तो इस प्रकार की ये आप लोगों को अभी कंप्लेंट भी दे दिया जाएगा, सैकड़ों धाराओं में परिवर्तन हुआ है, आप लोगों को जानना आवश्यक है। जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो हमारे वकील साहब लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, ग्राम प्रधान हैं या पढ़े लिखे लोग हैं जिनका थाने में स्तर आना जाना होता है पैदरी के उद्देश्य से स्वयं के मामलों में, तो उनको ये जानना अति आवश्यक है कि आप कौन सी धारा लगने जा रहे हैं। असिस्टेंट देंगे और उसको लीगल एडवाइस वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, उसको टेम्परेरी जो है हाउसिंग देंगे, जैसे कि वो थोड़े मेंटली स्टेबल हो सके। कोई भी और लड़की उसके साथ गलतका हो गया तो उसको परेशान होती, बहुत बार होता है उसके लिए जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, छोड़ कर चले जाते हैं, तो उसके इसके लिए इसका वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। वन स्टॉप सेंटर में उसको एडमिट करके रखा जाता है, उसको रखेंगे और प्रोसेस करेंगे, तो वहाँ पे उसको लीगल एडवाइस वगैरह दिलवाएंगे।